दही चोर मिल गया है आप लोगों को दिखाएं। पहले रोशन जी को दही चखने देते हैं, उसके बाद आप सभी को दही चोर से मिलाते हैं, ठीक है। और कौन है दही चोर आप लोग देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हम अभी नहावा के रेडी हो चुके हैं और पूजा भी करना है। और रोशन जी इधर देखिए, अभी सो के जगह है, हम नहावा के रेडी हुए और ये अभी सोए ही है वहाँ से। और पापा और बेटी पूरा सो रहे थे तो राशि भी सोई हुई है, देखिए कैसे सोती है हमारी प्रिय राशि। और वो तो जगी थी मिस्टर रोशन यानी हमारे पति देव जी, अभी जगे हुए हैं। और ब्रश तो डैडी हमसे खाना मांगेंगे, ब्रश बोले हैं कि कल किए थे तो मतलब नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब ये ब्रश करके सोए हुए थे तो मतलब ऐसे पहले जाओ पहले पूजा कर लो। तो अभी हम ना मतलब नहा खाए थे तो पूजा भी नहीं किए थे, तो हम सोचे थोड़ा सा आप सभी को बता देते हैं कि रोशन जी का क्या झूठ है हमसे, मतलब नहा के आए हम नहा खाए ब्रश किए तो ये फिर से सो गए थे। अब जरूरी नहीं कि दो बार ब्रश करना चाहिए, और तो फिर देखिए फिर नींद आ रहा बेचारे को, ऐसे पति देव कि सोने में ही बिजी रहते हैं। तो फिर चलिए हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद आप सभी को मतलब रोशन जी के लिए हम कुछ अच्छा चीज़ है, फेवरेट है ना आपका कुछ, तो वो हम दिखाएंगे आप लोग जैसे थंबनेल में देखे होंगे। तो वो हमारे वहाँ पर नीचे में रखे थे, उधर एक साइड में रखे थे, और क्या है वो आप सबको बताएंगे। तो चलिए पहले पूजा करके आते हैं, तब आप सभी से मिलते हैं। फाइनली हमारा पूजा भी हो चुका है और रोशन जी भी यहाँ पर खाना ला के दे दिए हैं, कि उसने उन्हें मतलब वो बहुत तेजी लगा हुआ था। और क्या खाना खा रहे हैं आप लोग देख सकते, चावल दाल आलू का भुजिया और कुछ नहीं, और दही है तो वो खाना खाने के बाद खाएंगे। तो अब पता नहीं, अभी हम तो देखे नहीं कि दही हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, पता नहीं वो खाना करो। नहीं आप खाना खा लीजिए उसके बाद चेक करेंगे, आप ही कीजिएगा अच्छा ठीक है। तो चलिए हम ना मतलब किस में पकड़े थे पता है, मतलब जो हमारे यहाँ चर्चन पर्व हुआ था उसमें मतलब मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा रहता है उसमें दूध चढ़ाया जाता है उसमें भी, तो उसी में हम बोले कि थोड़ा सा दही आज बना कर देते हैं क्योंकि रोशन जी को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसीलिए हम कर रहे थे। तो अब देखते हैं कैसे हुआ था, पता नहीं हम अभी तक चेक नहीं किए हैं। और इसीलिए ना क्या किया, देखिए नूनू का पिल्लो जो है ना कि तकिया वाला लगा देते, नूनू का भी छावना जो सेट था सो उसे इधर लगा देते ताकि वो हिले डोले नहीं, क्योंकि हिले डोलेगा तो दही अच्छे से नहीं हमारे जमीन में। सो अभी देखिए रुमाल रखे थे और सिंपल ऐसा कुछ भी नहीं किए थे, अच्छे तरीके से जम चुका है और बहुत ज़्यादा खाने के बाद पता चलेगा कैसा मिलेगा। अब वो रोशन जी टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, तभी पहले हम ढक देते हैं। और हम कॉपी ही दे दिए थे और कोई बर्तन नहीं दिए थे, तो अभी रोशन जी भी खाना खाएंगे उसके बाद दही खाएंगे, तो आप सबको भी मिलते हैं आप सबको। रोशन जी का भी खाना हो चुका है तो रोशन जी भी दही खाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। और आप सबको जरूरी बात बताना है, पता है क्या हमारा दही चोर मिल गया है आप लोगों को दिखाएं। पहले रोशन जी को दही चखने देते हैं, उसके बाद आप सभी को दही चोर से मिलाते हैं, ठीक है। और कौन है दही चोर आप लोग देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। और रोशन जी भी कैसे जमा है दही और मिट्टी अच्छा के जमा है कि नहीं मिट्टी के अंडी में छोटा सा, और इसमें ना मतलब 250 लीटर होगा ना, यानी कि पानी है। हाँ पानी, क्योंकि हिला दिया था ना चोर से, तान जो है मत गिराइए ना, पानी भी खाया जाता है। हाँ पानी भी खाया जाता है आपको पता है फिर भी। और देखिए हमारा जो है दही कितना यमी यमी आहा, खाने का मन तो मेरा भी है, हम भी खा लेते तो कितना अच्छा होता, बट हमने डॉक्टर साहब मना किया है तो नहीं खा सकते, चीनी यहीं पर रखें इसको, यहीं पर रख देते हैं अभी तत्काल के लिए, मतलब यहाँ पर जस्ट चीनी डिब्बा में, मतलब है ना इनके लिए सारा चीज़ हम पहले ला के रखते हैं, इतना प्यार से खोला जाता है। चम्मच लेके डालिए, चम्मच लीजिए ना, चम्मच खट्टा हो जाएगा, चम्मच खट्टा हो जाएगा, देखिए इनका ये देखिए चीनी ऐड कर रहे हैं
ज़्यादा मीठा, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि रात में किए थे तो पौड़े थे, मतलब इसे जमने दिए थे तो उतना खट्टा तो होगा नहीं। अभी बाकी बचा हुआ था ही मम्मी जी को भी दे देंगे और जो भी खाएंगे उनको दे देंगे, और फिर अभी दूध है उसमें फिर ही ऐड कर देंगे, फिर से अब लगातार हमारे घर में दही बनाएंगे। किसको किसको खाना है तो आ जाइए, वरना ये अकेले खा जाएंगे, हमें तो पूछते नहीं। कैसा लग रहा है? खट्टा नहीं है तो, क्योंकि पता नहीं। और आप सबसे एक जरूरी बात हमें पूछना था, पूछे बोलो कि मतलब स्टोर में दही खाना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है इसीलिए। सो आप सभी हमारी फैमिली है तो आप सभी हमें बता सकते हैं, तो इसीलिए हम आप सभी से पूछे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो हम अपने, चलिए अभी दही जोर से मिलाते हैं, तब तक ये दही खाना है तो दही जोर से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बैकिंग वैक कर लिए, और क्योंकि पता भी करना था कि कौन हमारा दही खाता है, तो आप लोग को मतलब हम ना फुल बिछावन पे हैं और पूरा जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को बैक कैमरा से, तो आप लोग को देखिए कब तक आएगा पता नहीं। सो हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और ये देखिए हमारा दही चोर आ गया है और भाग गया। तो दादा रोशन जी दही भी खा भी लिए और आप लोग दही चोर से मिल भी लिए। तो हम ना मतलब रोशन जी बोल रहे थे बकरी खाएंगे, हम बोले कोई बड़ा बच्चे का काम होगा, बट यहाँ तो नहीं, मेरा बात सच ही रहा नहीं, चूहा खा रहा था। आप लोग को जैसे दिखाई दिए आप लोग, हम चुपके से वीडियो बना लिए। हाँ, और ये चुपके से वीडियो बना रहे थे, तो हम भी चलिए आप तो पता चल गया चोर का, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पति देव का दही कौन खा रहा था। तो मतलब आज का ब्लॉग, कल का जो ब्लॉग आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास होगा कल का ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग बहुत ही मतलब अच्छा से, बहुत अच्छा से हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे आप सभी के लिए। तो आई होप कि आप सबका कल का ब्लॉग के लिए इंतजार कीजिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। तो फिलहाल यहाँ इस ब्लॉग में बस यहीं तक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ओके, लव यू गाइस, बाय बाय। हमारी राशि सोई वे ओके।